वेलकम बैक इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किसी भी टनल के निर्माण से पहले हमें उस एरिया की जियोलॉजिकल कंडीशंस पता होनी चाहिए और जियोलॉजिकल कंसिडरेशन की बात करें तो हमें वहाँ की लिथोलॉजी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और ड्राउंड वाटर कंडीशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना हमने लिथोलॉजी शुरू किया और लिथोलॉजी में हमने देखा कि लिथोलॉजी के लिए वहाँ हम तीन तरह से बात कर सकते हैं हमारे सामने या तो हार्ड रॉक आएंगी या सॉफ्ट रॉक या फीशर्ड रॉक्स तो शुरुआत करते हैं हार्ड रॉक से टनलिंग थ्रू हार्ड एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स हार्ड एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स आर फेवरेट फॉर टनल इंजीनियर्स जो टनल के जो इंजीनियर्स हैं उनके सबसे फेवरेट क्या है हार्ड और क्रिस्टलाइन रॉक्स और क्यों है अभी जानेंगे एक्सकेविशन कैन बी डन बाय रॉक प्लास्टिंग मेथड एंड बाय टनल बोरिंग मशीन्स और हार्ड रॉक्स में जो एक्सकेविशन है क्योंकि रॉक हार्ड है सिंपली आप चाहें कि यहाँ अभी एक फावड़ा लेके या गेंती लेके हम यहाँ खोद खाद देंगे नहीं ऐसा नहीं है हार्ड रॉक है वो तो उसके एक्सकेविशन के लिए आपको या तो ब्लास्टिंग मेथड अपनाना पड़ेगा या टनल बोरिंग मशीन्स अपना की मदद से आप टनलिंग वहाँ कर सकते हैं हार्ड रॉक्स में द एक्सकेविशन इन हार्ड एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स आर वेरी ऑफन सेल्फ सपोर्टिंग अब क्यों टनल इंजीनियर्स का फेवरेट है वो आप, आप जानेंगे कि एक्सकेविशन इन हार्ड एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स इज वेरी ऑफन सेल्फ सपोर्टिंग सो दैट दिस कुड बी लेफ्ट लाइन एंड नेक्स्ट राउंड ऑफ ब्लास्टिंग इन अ न्यू क्रिएटेड इज अंडरटेकन बेटर एडवांस अब जो हार्ड रॉक होती हैं कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन रॉक्स होती हैं उनमें आपने एक्सकेविशन किया टनल बनाई तो वो जो रॉक है वो सेल्फ सपोर्टिंग है मतलब टनल क्या है आप जब उसके अंदर घुस रहे हैं टनल के अंदर खोद रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसकी छत गिर जाएगी या साइड गिर जाएंगी क्योंकि वो हार्ड एंड कॉम्पैक्ट रॉक है तो आपस में सेल्फ सपोर्टिंग काम करता है वो एक सॉफ्ट रॉक के अंदर आप सॉफ्ट सॉइल के अंदर मान लीजिए अगर आपने खोदा तो आप थोड़ी दूर जाए कहेंगे थोड़ी दूर के बाद में वो ऊपर से गिरने का डर रहता है ये तो आप जानते हैं लेकिन हार्ड रॉक में ये प्रॉब्लम नहीं है वो एक सेल्फ सपोर्टिंग होती है और उसमें लाइनिंग की भी इतनी जल्दी आवश्यकता नहीं है वो काफ़ी देर तक रह सकती है लाइनिंग आप एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है लेकिन आप काफ़ी देर तक उसे अनलाइंड छोड़ सकते हैं और इसी की वजह से आप जल्दी जल्दी आगे भी बढ़ सकते हैं भाई टर्नलिंग आपकी थोड़ी फास्ट होएगी फास्ट क्यों होगी आपको जो टाइम लाइनिंग में लग रहा था वो टाइम आपका बच जाएगा और उस टाइम आप आगे एडवांस एक्सकविशन कर सकते हैं क्योंकि आपका पीछे का सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम लगा हुआ है आपको कोई सपोर्ट में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है आपका तो आपकी एडवांस रेट भी बेटर होगी एन रॉक इज स्ट्रेस्ड ड्यू टू फोल्डिंग और फॉल्टिंग टनलिंग बिकम्स हजार ड्यू टू रॉक बस्ट वे अकर्स ड्यू टू फॉलिंग ऑफ बिग रॉक ब्लॉक्स फ्रॉम रूफ्स और साइड्स ड्यू टू रिलीज ऑफ स्ट्रेसेस अब इसमें जो हार्ड रॉक की बात करें तो हार्ड रॉक में फोल्डिंग फॉल्टिंग और ये स्ट्रक्चर्स आपको स्ट्रेस वगैरह मिलते हैं सॉरी तो शेयर जोन्स वगैरह मिल देंगे जो कि सॉफ्ट रॉक में नॉर्मली नहीं होते हैं अब हार्ड रॉक में फोल्ड फोल्ड्स वगैरह मिल रहे हैं तो इसका नुकसान भी है नुकसान क्या है कि जब ऐसे एरिया में आप एक्सकविशन कर देते हैं उसको फ्री कर देते हैं जहाँ पहले से फोल्डिंग थी तो वहाँ की रॉक्स अंडर स्ट्रेस थी और वो स्ट्रेस आपने एकदम से रिलीज कर दिया और एकदम से रिलीज होगा तो वहाँ रॉक बर्स्ट हो सकता है रूफ्स या फिर जो साइड्स हैं वहाँ से ब्लॉक्स रिलीज हो सकते हैं बड़े बड़े रॉक के तो ये एक प्रॉब्लम आती है हार्ड रॉक हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स में माना कि वो सेल्फ सपोर्टिंग है लेकिन इस तरह की एक प्रॉब्लम भी उसमें सामने आती है इसके बारे में डिटेल हम आगे जब जो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे इसमें तो हम इसे डिस्कस करेंगे ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स फेवरेबल फॉर द टर्निंग आर अब कुछ एग्जाम्पल्स जो फेवरेबल रॉक्स हैं पिगनी उस में ग्रेनाइट टाइराइट साइनाइट गैब्रोज बेसाल्ट सेडिमेंट्री में सेंडस्टो लाइम स्टोन डोलोमाइट्स क्वारजाइड्स आर्कोस ग्रेविक एंड वहीं मेटामॉर्फिक में है मार्बल्स नीज क्वारजाइड फिल्डाइट्स कोई भी हार्ड रॉक वो सब इसमें इंक्लूड है नेक्स्ट है टनलिंग थ्रू सॉफ्ट रॉक्स सॉफ्ट रॉक्स फॉर टनलिंग इंक्लूड्स अब इसमें कौन कौन से हैं शेल्स फ्रेबल एंड पोरली कॉम्पैक्टेड सैंड स्टोन्स चॉक एंड पोरस वेराइटीज ऑफ लाइम स्टोन्स डोलोमाइट्स स्लेट एंड फिलइट विद हाई डिग्री ऑफ क्लीवेज एंड आल्सो डीकम्पोज वेराइटी ऑफ इग्नियस रॉक्स ये सब सॉफ्ट रॉक्स में है एक्सकेविशन कॉस्ट मे बी लोअर इन सॉफ्ट रॉक्स एज कम्पेयर टू हार्ड रॉक्स अब जो सॉफ्ट रॉक्स हैं उसमें एक्सकेवेशन ईजी हो जाता है उसमें आपको प्लास्टिंग की आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी हो सकता है ना ही पड़े और इतनी हैवी मशीनरीज की आवश्यकता नहीं है उसमें एक्सकेवेशन थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी है लेकिन एक्सकेवेशन ईजी है इसका मतलब वो फ़ायदे का सौदा हो जरूरी नहीं है बट इन मोस्ट केसेज सॉफ्ट रॉक्स आर नॉट सेल्फ सपोर्टिंग उसमें सेल्फ सपोर्टिंग नहीं है आपने एक्सकेवेशन किया थोड़ा आगे बढ़ेंगे पिछला गिर जाएगा तो आपको उसका सपोर्ट सिस्टम लगाना पड़ेगा उसमें टाइम लगेगा आपका खर्चा आएगा आपका और जितना मैं आप आगे बढ़ने की सोच रहे थे कि इजीली एक्सकेवेट हो रहा है वो टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा सपोर्टिंग सिस्टम बनाने में लाइनिंग करने में हैंस टेम्प्रेरी और परमानेंट लाइनिंग इज नेसेसरी ड्यूरिंग द टनलिंग दैट वुड involves extra cost and time extra the most unfavorable situation in case of soft rock tunneling is that during excavation of rocks in which clays are present may crumble due to swelling in the presence of water and due to release of confining pressure around them this may cause bulging out of sides of and roofs resulting in स्लाइड्स एंड सब्सिडेंस ऑफ टनल्स मोस्ट अनफेवरेबल सिचुएशन क्या होती है सॉफ्ट रॉक्स में कि सॉफ्ट रॉक्स जो होते हैं वो उनके अंदर टनलिंग अगर की जाती है तो उसमें कुछ रॉक्स के अंदर क्ले वगैरह प्रेजेंट हो सकती है और क्ले की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसको पानी मिलता है या उसकी ह्यूमिडिटी मिलती है आपने एक्सकेशन कर दिया है तो वहाँ हो सकता है पानी भी आ जाए थोड़ा उसकी ह्यूमिडिटी भी मिलेगी उस एरिया में जहाँ पहले नॉर्मली प्रेजेंट था अब उससे क्या होगा क्ले के अंदर थोड़ी स्वेलिंग होती है स्वेलिंग होती है तो और उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर रिलीज होता है पहले वो एकदम कॉम्पैक्ट था अब आपने उसमें एक्सकवेशन कर दिया एक्सकवेशन किया तो जगह मिल गई जो प्रेशर था उसके अंदर वो वहां रिलीज हो रहा है ह्यूमिडिटी और वाटर की वजह से स्वेलिंग आ रही है इनसे क्या होगा वो बल्जिंग आउट होगी जो क्ले है वो जो रॉक्स हैं ऐसे या तो क्ले या ऐसे कुछ रॉक्स के अंदर क्ले है तो उसमें बल्जिंग बल्जिंग शुरू हो जाएगी थोड़ा स्वेलिंग शुरू हो जाएगी उससे उसकी रू रूफ या साइड के जो रॉक्स हैं वो अंदर एक्सकेवेटेड एरिया के अंदर टनल के अंदर एक्सिस के अंदर गिर सकते हैं उससे क्या होगा अल्टीमेटली आपकी पूरी टनल सब्सिडेंस हो सकता है पूरी टनल में ही मिट्टी से भर सकती है वो पूरे आसपास के रॉक से भर सकती है तो इसका क्या इलाज है लाइनिंग कीजिए प्रॉपर लाइनिंग सपोर्ट सिस्टम दीजिए तो इसमें एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये प्रॉब्लम है सॉफ्ट रॉक्स में नेक्स्ट है टनल्स थ्रू फिशर्ड रॉक्स फिशर्ड रॉक्स इंक्लूड्स एनी टाइप ऑफ हार्ड और सॉफ्ट रॉक दैट हैज बीन डिफॉर्मड एक्सटेंसिवली ड्यू टू सेकेंडरी स्ट्रक्चरिंग ड्यू टू फोल्डिंग फॉल्टिंग और शेयरिंग अब जो फिशर्ड रॉक्स हैं वो हार्ड रॉक्स भी फिशर्ड हो सकती हैं सॉफ्ट रॉक्स भी फिशर्ड हो सकती हैं फिशर्ड मतलब उसमें कोई इतना प्रेशर लगा कि इससे वो बिल्कुल टूट फूट गई हैं या तो फोल्डिंग हुई है वहाँ पे या फॉल्टिंग हुई है या शेयरिंग हुई है जिसकी वजह से जो रॉक्स थी पहले चाहे कैसी भी हो लेकिन अब उसमें वो थोड़ी टूट फूट सी गई है टनलिंग इन विथ इन सॉरी टनलिंग इन सच रॉक्स इज ऑलवेज हज़ारडियस एंड वेरी चैलेंजिंग जॉब अब इस तरह की रॉक्स जो खुद ही जिनकी कोई अस्तित्व तो नहीं अस्तित्व तो नहीं कहना सही नहीं होगा सही वर्ड मतलब वो कॉम्पैक्ट नहीं है उसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है तो ऐसे में अगर टनल्स बनानी है तो हजारडियस तो होगा ही बिफोर टनलिंग थ्रू फिशर्ड रॉक्स द एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन हैजू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड कॉम्प्रीहेंडेड थोरोलीन अ वेरी सेफ मेथड ऑफ टनलिंग इज टू बी प्लान टू अवॉइड एक्सीडेंट्स अब फिशर्ड रॉक्स अब टनल्स में क्या है कि आपको एक जहाँ टनल बनानी है वहीं बनानी है अब वहाँ अगर फिशर्ड रॉक्स आ गए ऐसा तो है नहीं कि यार यहाँ तो फिशर्ड रॉक्स आ गए चलो अपन दस किलोमीटर पीछे टन अरे टनल की जरूरत यहाँ है तो वहाँ थोड़ी बनाएंगे लेकिन अब फिशर ड्रॉक्स आ गई है तो अब यहाँ पे चैलेंज है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए लेकिन उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए उसको समझिए किस तरह के फिशर्ड रॉक्स हैं उनका कैसे सेफ मेथड कैसे इकोनॉमिकल मेथड से हम यहाँ पे टनलिंग कर सकते हैं जिससे हमारी टनल का, का काम भी हो और साथ साथ में किसी तरह का कोई एक्सीडेंट भी ना हो इस तरह की प्लानिंग हमें करनी पड़ती है काफ़ी अनसेफ एरिया होता है ये फिशर रॉक्स का टनल अलाइनमेंट्स थ्रू सच चोन्स विक्वायर लार्ज स्केल टिम्बरिंग फॉर प्रोवाइडिंग टेम्प्रेरी सपोर्ट्स विच इज टू बी फॉलोड बाई परमानेंट लैंड इस तरह के एरिया में आपको सपोर्ट्स बहुत फटाफट फड़ा लगाने पड़ते हैं क्योंकि फिशर्ड एरिया है तो टिम्बरिंग लकड़ी के तख्तों से यहाँ पर हम टेम्प्रेरी सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा काम भी होता रहे और एक सपोर्ट भी टेम्प्रेरी मिलता रहे लेकिन हम उसके भरोसे छोड़ नहीं सकते तो इनिशियली हम टिम्बर्स के लकड़ी के सपोर्ट्स लगाते हैं जो टेम्प्रे सपोर्ट्स हैं उसके बाद में हम परमानेंट लाइनिंग करनी करते हैं उस एरिया में ग्राउंड वाटर आल्सो भी इनकाउंटर थ्रू फिशर रॉक जो और फिशर जोन्स होते हैं वो काफ़ी परमिएबल जोन है वहाँ वाटर भी अवेलेबल हो सकता है ग्राउंड वाटर अवेलेबल हो सकता है तो ग्राउंड वाटर की एक अलग समस्या होती है तो वो भी एक प्रॉब्लम है फिशर जोन्स में तो हमने यहाँ रिथोलॉजी के बेस पर हमने यहाँ डिस्कस किया इस पार्ट में हमने कि हार्ड रॉक्स में अगर टनलिंग हो तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है क्या बेनिफिट्स हैं सॉफ्ट रॉक में किस तरह के बेनिफिट्स हैं क्या नुकसान है और फिशर रॉक्स में जो चैलेंजिंग टनलिंग है चैलेंजिंग प्रोसेस है उसको भी हमने यहाँ कुछ हद तक डिस्कस किया तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के फर्दर डिस्कशन के लिए थैंक यू